तो आज की चर्चा बैठिए, आज की चर्चा चर्चा है, कोई क्लास नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस से ही लर्निंग होती है, हमने जैसे डिस्कस किया। और कम्युनिकेशन आदान प्रदान होना चाहिए, आप पूछे हम बताएं, वी मस्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। मतलब ये कि मैं क्लास न लूं, मैं आपसे वार्तालाप करूं, कम्युनिकेट करूं, आदान प्रदान करूं। असल में कम्युनिकेशन लोगों में होता नहीं। बहुत साल पहले मैंने एक बहुत किसी वर्ल्ड लेवल के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की बात सुनी थी, बहुत अच्छी बात कही थी और उसने वो घर कर गई और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसको मैं हमेशा बिलीव भी करता हूं, इसलिए नहीं कि उसने कही थी, इसलिए कि लाइफ में मुझे समझ में आया कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। एक कम्युनिकेशन का अगर एक वर्ड में समझाया जाए वो है वल्नरेबिलिटी। अगर हम वल्नरेबल होंगे, अपने आप को दूसरे के सामने ओपन कर देंगे, वल्नरेबल कर देंगे, कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। अगर हम दीवार खड़ी कर देंगे, किसी भी तरह की दीवार, एक दूसरे के अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट, एक दूसरे के अंदर लैक ऑफ रिस्पेक्ट और कोई और तरह तरह की दीवारें हम खड़ी कर देते हैं, सिर्फ क्लास के लिए ही नहीं, ये लाइफ में किसी भी कम्युनिकेशन के लिए सच है। द मोमेंट यू आर वल्नरेबल यू आर बेटर कम्युनिकेटर, यू हैव क्रिएटेड। तो मैं इसीलिए जब आपसे इस तरह से बात करता हूं, बैठा करके और एक ऐसा माहौल जिसमें हम आपकी बात अच्छे से सुन सकें, मैं अपने आप को वल्नरेबल कर दूं और आप भी मेरे से खुल के बात करें, वी विल अंडरस्टैंड बेटर, वी विल लर्न मोर। इसलिए हमने आज जो भी बात की इससे पहले, इसीलिए तो स्क्रीनिंग में बहुत लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके दो पहलू, एक तो बड़ा पहलू मैक्रो लेवल का पहलू, उस पर बात नहीं करेंगे, वो नेशनल लेवल का पहलू, नेशनल प्रॉब्लम और नेशनल सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि नेशनल लेवल पे डिसाइड किया गया था। पहले स्क्रीनिंग नहीं होती, स्क्रीनिंग शुरू हुई 96 के आसपास, उस वक्त मैं एसएसबी में ही, तो उसका मकसद जो था वो पूरा नहीं हुआ, उसमें कुछ चैलेंजेस आई, उनको हम सॉल्व नहीं कर पाए एट नेशनल लेवल, इसीलिए वो एक अलग कारण है, उस पर जाएंगे नहीं अभी, क्योंकि आपसे चर्चा करने से वो गोल पूरा नहीं होगा। आपसे चर्चा करेंगे हम अपने लेवल पर, वो सिस्टम जो भी है, हमेशा सिस्टम में इंप्रूवमेंट की स्कोप है, वो कर रहे हैं लोग जो करने वाले हैं, आपको भी आपने भी सुना होगा, बदली हो रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि हम स्क्रीनिंग हो जाए। अगर आप अच्छे हैं सर तो आप स्क्रीनिंग होंगे ही होंगे और सेलेक्ट भी होंगे। अच्छा बनिए, स्क्रीनिंग को कैसे क्रैक करना है ऐसा मत सोचिए, इतने अच्छे बन जाइए कि सिस्टम कैसा भी हो आप स्क्रीनिंग होंगे। सिस्टम को दोष देने की बजाय हम अपने आप को बोले कि हमें और अच्छा और स्क्रीन हो जाए। तो मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है, एक लड़का आया था, इंजीनियरिंग कॉलेज का था, तो मैं सबको पूछता हूं भी आप लक्ष्य अकेडमी में क्यों आए, तो कहने लगा सर मैं स्क्रीनिंग होने के लिए आया। मैंने कहा ये कैसा गोल है, कहता सर 7 बार गया हूं एसएसबी, 7 बार स्क्रीन आउट हो गया, दीवार लांग के देखना चाहता हूं उस तरफ क्या है। इट वॉज वेरी रिवीलिंग टू मी, इट वॉज रेवलेशन के एक आदमी ऐसा भी है जो कि बोल रहा है कि मुझे सिर्फ स्क्रीनिंग होना है।
तो मैंने कहा, कह रहे सर मेरे जो दोस्त यहाँ पे आए हैं उन्होंने बोला तो वहां चला जा, तेरी स्क्रीनिंग हो जाएगी। स्क्रीनिंग हो गया वो 8 मिनट और वहां से फोन किया, सर मैं स्क्रीन हो गया, थैंक यू। आगे भी कर ले कुछ, उसी में खुश था। एनीवे अभी हमको समझेंगे इस बात को कि स्क्रीनिंग होते कैसे। स्क्रीनिंग कौन होता है? स्क्रीनिंग वो हो जाता है जो अच्छा है, जिसके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल है, उसके बारे में अलग से बात कर चुके हैं, उसके बारे में तो नहीं अभी बात करेंगे। लेकिन कुछ स्क्रीनिंग के जो आपके दिमाग में शक रहते हैं उनको दूर कर देंगे तो और बात क्लियर होगी। पहला टेस्ट स्क्रीनिंग का या स्टेज वन का, आप लोग स्क्रीनिंग कहते हैं तो मैं स्क्रीनिंग बोलता हूं, अदरवाइज स्टेज वन है, स्टेज टू है। स्टेज वन में पहले दिन आप जाएंगे, कुछ लोग 200-300 लोग आएंगे, उसमें से 40-50 रह जाएंगे, बाकी सब स्क्रीन ऑफ हो जाएंगे। इतना बड़ा चंक स्क्रीन का बड़ा दुख होता है। ये बहुत सीरियस मामला है। हाउ कैन 50 पीपल आउट ऑफ 300 कैन बी स्क्रीन? हाउ कैन दे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो जो हम बात कर रहे थे मैक्रो लेवल वाली, कुछ तो कुछ कमी है, लेकिन कुछ बच्चे में भी कमी है। अच्छा बच्चा क्यों स्क्रीन ऑफ हुई? एक तो डर बड़ा बैठ गया, स्क्रीन उसमें बहुत ज्यादा, अब वो टेंशन और पाल लिया। तो जब नॉलेज हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी, तो टेंशन कम हो जाएगी, आप अच्छा परफॉर्म। तो स्टेज वन में पहला हिस्सा है इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको आप OIR, वो वर्बल नॉन वर्बल टाइप के टेस्ट है। वो क्या पता करने का? वो आपकी बेसिक इंटेलिजेंस पता करने, मैं आपको अच्छा करना है, सब लोग अच्छा ही करते हैं। लेकिन अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो पक्का आप स्क्रीन आउट है, क्योंकि जिसका बेसिक इंटेलिजेंस ही कमजोर है तो फिर आगे क्या कर सकता है? जिसको बेसिक बातें ही समझ में नहीं आती वो आगे कैसे लाइफ में कुछ भी कर सकता है? तो लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट सबका अच्छा ही होता है, बहुत कम लोग आपने इंटेलिजेंस टेस्ट में फेल हो गए और बाद में आपने जिसको आप PPDT कहते हैं या स्टोरी राइटिंग कहते हैं वो बहुत अच्छा किया और डिस्कशन बहुत अच्छी कर दी, तो एक्सेप्शन होगा कि आपको स्क्रीनिंग कर लिया जाए? एक्सेप्शन होगा, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा नहीं हो सकता, हो सकता है, बट वो एक्सेप्शन होगा। तो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको अच्छे से करें, आप 70% ले आएंगे तो आप ठीक ठाक हैं, सेफ है। आप 100% ले आएंगे और दूसरे टेस्ट में जो कि स्टोरी राइटिंग जिसको आप कहते हैं या PPDT कहते हैं वो खराब कर देंगे, तो ये तो प्रूव हो गया कि आपकी बेसिक इंटेलिजेंस अच्छी है, लेकिन ये भी प्रूव हो गया कि उसको आप इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते, तो स्क्रीन ऑफ। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि 100% इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर आप हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप स्क्रीनिंग। आप लाइफ में देख लीजिए, बहुत इंटेलिजेंट लड़का गांव में पैसा बर्बाद हो गया, रिलेटिव में फ्रेंड्स इंटेलिजेंस काफी नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए, अच्छा इंसान बनने उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, तब आप ये तो हम सब जानते हैं। उसकी हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, आप यहां पे प्रैक्टिस करते हो, बेटर हो जाता है, दैट्स नॉट एन इश्यू, आप काफी करते हो। अब अगला जो पहलू है वो है PPDT। इसको समझेंगे और इसको सही से अटेम्प्ट करेंगे तो जो बेसिक इंटेलिजेंस थी वो काम आएगी, इसका मतलब आप अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो उसका।
रूप क्या है, उसको समझना पहले समझना जरूरी है। उसको समझेंगे आप और उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, आप स्क्रीनिंग होंगे। तो वी टेक इट दैट यू हैव डन वेल इन द इंटेलिजेंस टेस्ट, नाउ वी आर शोइंग यू अ पिक्चर फॉर 30 seconds, यू हैव टू परसीव दैट पिक्चर एंड tell how many characters you saw in that picture, their gender, their age, their mood. The instruction in SSB would be what led to the situation in the picture, what was going on and what was the outcome. What does that mean? ये समझना बड़ा जरूरी है, इसी पे बात करें। ये समझ में आ गया तो PPDT तो ठीक हो गया, TAT भी ठीक हो जाएगा। सिलेक्शन का चांस 50% सेट हो गया। लेकिन गलती कहां होती है? गलती यह होती है कि हम इसको स्टोरी राइटिंग समझ बैठते हैं, क्योंकि वातावरण में यह चल रहा है स्टोरी राइटिंग। आपने उस स्टोरी ही समझ लिया इसको, ये स्टोरी राइटिंग नहीं है। ये क्या है? हमने आपको थोड़ी बोला स्टोरी लिखी, हमने पूछा इस पिक्चर में क्या हो रहा था पहले जिसके कारण पिक्चर में ये हो रहा, और फिर इसका इल्जाम क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ, मतलब आउटकम क्या, निष्कर्ष क्या निकला, बाद में हुआ क्या, हमने क्या पूछा आपसे? असल में हमने आपसे पूछा कि आप लाइफ को कितना समझते हो, आपकी लाइफ की सच्चाई को कितना जानते हो, आप लाइफ में सोचते कैसे हो, आप लाइफ में जीते कैसे हो, ये जानते। आप स्टोरी मत बनाइए, फिल्मी स्टोरी नहीं है, ना ही किसी बच्चे को बताने के लिए स्टोरी है, ना ही बच्चे को सुनाने की स्टोरी है। ये तो आपकी स्टोरी है, आपकी सच्चाई है। तो किसी भी पिक्चर की सच्चाई क्या होती है, आप उसको समझ जाएंगे, अच्छे से जीते हैं आप, जब भी कुछ देखते हैं आपके क्या विचार रहते हैं, वही आपके जीवन की सच्चाई। उसके लिए कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जीवन जीने की जरूरत है अच्छे से। वो हम तो जी रहे हैं अच्छे से, उसमें शक क्यों करते हैं अपने ऊपर। यू आर गुड, बिलीव इन योर सेल्फ। और जहां कमी है उसको ठीक करेंगे, यही तो जीना है। हमें हमेशा अपने आप को इंप्रूव करते रहना, यही तो जीना है। तो जब आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, आप उसको देख करके किस प्रकार के विचार मन में आते हैं, इसके लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होती है। इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरह से बताता हूं कि आप पिक्चर देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, कोई भी एक फिल्म ले लीजिए, हीरो हीरोइन डांस कर गाना गा रहे, तो सारे हॉल में बैठे लड़के अपने आप को किससे जोड़ते हैं, हीरो से। कोचिंग करके थोड़ी गए थे कि सर हम फिल्म देखने जा रहे हैं, हमें बताइए कि जब हीरो हीरोइन डांस कर रहे होंगे तो हम अपने आप को किससे जुड़ाएंगे, जोड़ेंगे, एसोसिएट किससे करेंगे, अलाइन किससे करेंगे, वो तो नेचुरल अलाइनमेंट होगी। और लड़कियां बैठी हुई हीरोइंस, वो भी कोई कोचिंग नहीं करती, नेचुरल अलाइनमेंट। अब हीरो ने विलेन की पिटाई करना शुरू कर, तो सारे लड़के बैठे हुए अपने आप को किससे जोड़ते हैं, हीरो से। एक दो होते हैं जो कहते हैं मत मार, अब समझ जाओ वो भी कोचिंग करके नहीं आया, उसके अंदर विलेन बैठा हुआ है, कह रहा मत मार, तो क्या जो विलेन टाइप का आदमी होगा। अब सीन चल रहा है कि विलेन रेप कर रहा है हीरोइन का, कोशिश कर रहा है, आप अपने आप को क्या मानते, विलेन तो नहीं मानते, एक दो शायद हो,
जो सब लोग आप हैं, विलन नहीं बना। कुछ लोग उसमें से अपने आप को हीरोइन से अलाइन करते हैं, एसोसिएट करते हैं, कहते हैं उठा के इसके सर पे मारूंगा जो साथ में रखी, या बोलते मैं बाहर से आके इसका गर्दन पकड़ के उसके मारूंगा। तो एक बाहर से कैरेक्टर आप सोचते हो कि हीरो आए, हीरो आए जल्दी आए, सोचते कोई कोचिंग की जरूरत नहीं। अब वो जो दो बैठे हुए थे उनको सुधरने की जरूरत है, कोचिंग की नहीं। आप तो अच्छे में से हैं, आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, मैं पहले बोल चुका हूं, इसलिए हम भैया कोचिंग नहीं कराए। लाइफ कोचिंग कुछ कोई कुछ कोई लोग कह रहे थे सर यू आर माई बेस्ट लाइफ कोच, किसी ने फेसबुक पे कुछ लिखा था फोटो मेरे लिए। मैंने कहा नहीं यार इतना बड़ा मत बनाओ, उन्होंने लिखा है मेरे बारे में बहुत कुछ। लाइफ को ठीक करना है, लाइफ की एक अलाइनमेंट ठीक हो जाए तो यू विल बी फाइन। व्हेन यू वांट कोचिंग, कोचिंग का यह मतलब है जाके हम उधर ऐसे करेंगे, हम ऐसे हैं नहीं लेकिन ऐसे करेंगे। अरे आप जैसे हैं वैसे ही करो, वही तो अच्छे इंसान। झूठ फरेब कर रहे हैं आप इसका, आप जैसे हैं वैसे ही करो। आपको और अच्छा बनना है उसके ऊपर पूरी तैयारी करो, हम आपको बता रहे हैं ये रास्ता चलिए आपको करना। तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या करते हो, पिक्चर देखते हो और उसमें अलाइन करते हो, तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं सर किसकी उम्र होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसका सब करने की कोई जरूरत नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। अभी भटक जाएंगे अगर उस तरफ जाएंगे तो भी पहले इसी बात को कर ले। तो आपने एक पिक्चर देखी, उसमें एक कैरेक्टर आपने सेंट्रल कैरेक्टर चुन लिया जिसको आप सोचते हो यार ये मुझे सेंट्रल कैरेक्टर लगता है। अब मैं आपको जीवन की सच्चाई से परिचित तो है ही, आप थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप परिचित नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं, आप बहुत अच्छा समझते हैं और मुझसे भी शायद अच्छा समझते हैं, लेकिन कोचिंग का हवा इतना दिमाग में डाल रखा है कि आपको कभी कभी अपने आप से ही खिलवाड़ कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, हम जीरो है, हमें बताइए। नहीं भाई आपको बहुत कुछ मालूम है, बड़ी बड़ी तो क्या सच्चाई है जी, किसी भी पिक्चर जो चल रही है, कोई भी काम हो रहा है, उसकी एक सच्चाई है। और वो क्या है, मान लिया ये पिक्चर है, आप सब बैठे हुए मैं आपसे बात कर रहा हूं, बैकग्राउंड में मुझे कुछ फौजी चीजें नजर आ रही है, दिमाग में कुछ थीम निकल रहा है कि फौजी टाइप का हो रहा है, क्लासरूम है, कोई पढ़ा रहा है या डिस्कशन कर रहा है, शायद कॉन्फ्रेंस है या कोई ट्रेनिंग है, ये जो चल रहा है, जो सच्चाई है, जो एक्शन है, इसका एक गोल है। कोई भी एक्शन हो दुनिया में वो किसी गोल को अचीव करने के लिए होता है। आप ऐसे तो नहीं बैठ गए आके टाइम पास करने की, देर इज अ गोल। एक आदमी रिक्शा चला के जा रहा है, देर इज अ गोल। It is not visible. The goal is never visible. Immediate goal may be visible. Very immediate goal may be visible. But uske baad bhi, the real goal is still not visible. Do aadmi baithe aapas mein baat kar rahe hain, the goal is somewhere else. Main aapse class le raha hu, to aapka goal, mera goal alag hai, lekin yahan nazar nahi aayega. Ye to action hai. आपका गोल, आप एक कोई भी एक कैरेक्टर चुन लें, आपका गोल है मुझे कोई कहेगा मुझे सेलेक्ट होना है, कोई कहेगा मुझे ऑफिसर बनके मेरे परिवार को संभालना, कोई कहेगा मुझे सेलेक्ट होने के लिए ये कमी है, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मुझे करंट अफेयर्स इंप्रूव करना है। किसी का छोटा गोल इमीडिएट, किसी का मिडिल गोल और किसी का लॉन्ग टर्म गोल, बट एक्शन एक ही है। एक्शन का गोल होता है वो नजर नहीं आता।
एक कहावत है बहुत अच्छी, मैंने नहीं बनाई, लीडर्स कैन सी द इनविजिबल, लीडर्स कैन सी बियॉन्ड द फिजिकल, लीडर्स कैन सी व्हाट अदर्स कैन नॉट। सारी कहावतें मैंने नहीं बनाई, हजारों साल की मानवता की लीडरशिप के इतिहास में लोग बनाते चले गए, समझते चले गए, बनाते चले गए। आप समझिए इस बात, एसएसबी में लीडरशिप पोटेंशियल देख रहे हैं, तो कोई भी कैरेक्टर है वो कुछ भी काम करता है वो किसी गोल को अचीव करने के लिए करता है, तो उस गोल को वेट प्लीज कीप स्टैंडिंग वी गेट डिस्टर्ब। सुनिए, तो उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, वो भी दिखती नहीं, और उन चैलेंजेस को कैसे टैकल करता है, कैसे सॉल्व करता है, तो एक स्टोरी बन गई। आप जिसको स्टोरी कहते हैं जीवन की सच्चाई है। क्या सच्चाई है? कुछ भी काम हो रहा है, कुछ भी एक्शन हो रहा है, वो किसी गोल को अचीव करने के, और उस गोल को वो कैसे अचीव करेगा, यही जीवन का सच है। आप देख लीजिए, दादा का देख लीजिए, मामा का देख लीजिए, भाई का देख लीजिए, अपना देख लीजिए। वी डू एक्शंस टू अचीव अ गोल, इफ वी डू गुड एक्शंस, करेक्ट एक्शंस, वी अचीव द गोल इन टाइम एंड फ्रूटफुल। तो स्टोरी में क्या हुआ, एक कैरेक्टर है, कोई बंदा है, वो कुछ काम करना चाहता है और उस काम करने के लिए कुछ एक्शंस करता है, सॉल्यूशंस लाता है। ये लाइफ की सच्चाई है। सो कैरेक्टर, गोल एंड सॉल्यूशन, ये लाइफ की सच्चाई। ये आपने देखा है अपने जीवन में तो आप पिक्चर देखेंगे, आप बोलेंगे अरे ये रिक्शे वाला है, ये शायद अपने भाई को इंजीनियरिंग कराना चाहता है, या पार्ट टाइम खुद ही बीए करना चाहता है, या अपने मम्मी डैडी को पालना चाहता है, उनका इलाज कराना चाहता है, डिपेंडिंग ऑन उसकी उम्र वगैरह। और वो कैसे करेगा? या अपनी कोई भी जमीन जो है वो वापिस लेना चाहता है जो बिक गई थी, या कुछ और, या कुछ और बोल, कुछ भी हो सकता है। सो इन रियल लाइफ द स्टोरी एंड द ट्रूथ इज कि कोई भी कुछ भी काम करे वो किसी गोल के लिए होता है, वो नजर नहीं आता, और उसको पूरा करने के लिए कुछ एक्शन। एक्शन जो होते हैं, सॉल्यूशन जो होते हैं, अगर वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं, आपके अपने सॉल्यूशंस हैं, तो वो लीडर की कैटेगरी में आ जाता है। पोटेंशियल उसका एक इनोवेटिव बेंट ऑफ माइंड है, वो अपनी तरीके से इनिशिएट करता है सॉल्यूशन, वही स्क्रीन होता है और वही सिलेक्ट होता है। यही फर्क, यह समझने की जरूरत है। यह समझने की जरूरत नहीं है कि आंखों में आंखें डाल के देखो, ऐसे बैठो, ऐसे मत बैठो, वो भी अपनी जगह सही बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत। लेकिन कुछ एक भ्रांतियां हैं, उनको मैं बात करना चाहता हूं। पहली भ्रांति क्या है कि आप जब स्टोरी बनाते हैं, सबसे बड़ा जिसको लोचा बोलूंगा मैं, आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं, सबसे बड़ा लोचा यहां पे ये हो रहा है, सबसे बड़ा संक्रमण जो है, इन्फेक्शन हो रखा है दिमाग में, क्या ये एनवायरमेंट में फैल रखा है, पता नहीं किसने फैलाया, मैं मिला नहीं आज, मिलना चाहता हूं उस बंदे से, क्यों फैला रखा है ये सब, कह रहे काम करना, जो तेरी उम्र है वही उसमें उम्र, वही उम्र लिख देना, वही फौज में बहुत ज्यादा है कि तुम किसी के पास गए, आप भोले हैं बड़े, अच्छी बात है भोला होना, भी कोई बुरी बात नहीं होती, बट इतना भी भोले मत हो जाओ कि लॉजिक ना देखो। वो बंदा 15 का नजर आ रहा है, तू 39 का क्यों बना रहा भाई? तो मैं सबसे पहले बोलूंगा इसको ये समझ में नहीं आता कि 39 का दिखता कैसा, जिसको समझ ही नहीं आती, जिसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि कौन बंदा कितनी उम्र का कैसा दिखता है, आप उसको कैसे ऑफिसर बना दोगे। लेकिन पता नहीं कौन बता करता अपनी उम्र, अरे भाई आपकी उम्र ही झलकेगी, डोंट वरी,
आप नेचुरली रहिए, मान लिया एक 40 का है और एक 70 का है और आपकी उम्र है 30, तो आप किसके साथ अपने आप को जोड़ेंगे? 40 वाले, शायद उसको 35 कर देंगे, आपको लगेगा, क्योंकि पिक्चर एकदम क्लियर नहीं होती है, थोड़ी धुंधली होती है, उसमें गुंजाइश रहती है। क्यों ये समझने की बात है? तो अगर नहीं मेरी उम्र होगी, फिर आपके हर स्टोरी में बाद में स्क्रीनिंग होने के बाद में 12 स्टोरी, लेकिन हर स्टोरी में 26 26 26 26 आ जाएगा। तो क्या नजर आ रहा है, कैसा आदमी है भाई? आर्टिफिशियल, फेक, रटा तोता, तो पहली भ्रांति आपको कितना लगता है उतना बनाए। दूसरी भ्रांति, ये है वो जो फैला हुआ है, भ्रांति तो नहीं है, ये संक्रमण है। कह रहा है गुरु स्टोरी बनानी है, स्टोरी में प्रॉब्लम डाल दो, आसानी से मिल जाएगी, और कहता है सॉल्व कर दो। बड़ी भ्रांति बता रहा हूं, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी और भी है बड़ी। तो कह रहा है ये पिक्चर देखी, अब ये बंदा, इसको प्रॉब्लम डालो, अभी ये क्लासरूम में जो है क्लास चल रही है, प्रॉब्लम डालो। कह रहा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, कह रहा है पंखा गिरा दो उसके सर के ऊपर, उसको चोट लगेगी, उसको ठीक कर दे। ये आर्टिफिशियल प्रॉब्लम होगी, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के मैं इसलिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्लास चल रही थी, क्यों प्रॉब्लम आ गई भाई? एक आदमी था पहाड़ चढ़ रहा था, पहाड़ चढ़ता हुआ दिखा रहा, कह रहा उसकी टांग टूट गई, इसकी टांग टूट गई, या खड्डे में गिर गया उसका साथी। पिक्चर में कहीं खड्डे में नहीं गिर रहा, पिक्चर में कहीं टांग नहीं टूटी दिखा रही, लंगड़ा नहीं है, आपको क्यों लंगड़ा दिख रहा? असल में आपने टांग तोड़ दी उसकी, तो ठीक थी। एक आदमी अच्छा खासा बैठा है, आप कह रहे हैं इसको प्रॉब्लम खड़ी करो, को बोलो ये जो है इसको नौकरी नहीं मिलती, बड़ा उदास है, या इसके पिताजी की डेथ हुई, ये सबसे बड़ा संक्रमण पूरे देश में चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा जीवन जीना कैसे, इसका ये मतलब चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं असल में? आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? प्रॉब्लम। असल में आप प्रॉब्लम क्रिएटर। अरे भाई अच्छा खासा शादी चल रही है और कह रहा लड़के लड़के ने जो है दहेज मांग लिया, अब शादी नहीं, अब क्या करेगा? वो अच्छे खुशे दूल्हा था और तो दुल्हन जो है फर्स्ट क्लास, अपना फिट चल रहा मामला उनका, आपने आके बीच में प्रॉब्लम खड़ी कर दी, शादी नहीं होने दूंगा। आपकी स्टोरी में है कुछ ना कुछ ऐसा आर्टिफिशियल प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दिया, फिर उसको सॉल्व करके दिखाते हो ठीक हो जाता। अगर ऐसा लग रहा है तो जरूर कीजिए, जब ऐसा नहीं है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं, इसका समाधान बता देता हूं। समाधान ये है मेरे भाई कि जीवन की सच्चाई इस प्रकार है, हालांकि मैं बता चुका हूं, किसी भी पिक्चर में मैंने क्या बताया था, कोई भी आदमी है तो काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है? गोल के लिए, गोल अचीव कर रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये एक्शन है, और मेरा गोल क्या है? आपकी सोच को सही दिशा देना, आपको सोचना सीखना। तो पिक्चर में कोई भी आदमी काम कर रहा हो किसी गोल को अचीव करने के लिए कर रहा है, और उस गोल के अचीव करने में क्या आएगा? प्रॉब्लम, चैलेंजर्स, ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं। ये है फ्लो चार्ट थिंकिंग का, ये है फ्लो चार्ट लाइफ का। आई वांट टू अचीव अ गोल, देयर विल बी सम चैलेंजेस, फॉर एनी गोल देयर विल बी सम चैलेंजेस। ये जिसको समझ में आ गया वो जिंदगी सही से जीता है, और सही से जीने वाले, जिंदगी जीने वाले लोगों को आसपास के लोग लीडर होते हैं, क्योंकि उनका सोचना एनालिटिकल होता है,
लॉजिकल होता है, स्वाभाविक होता है और वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। पिक्चर में कौन आदमी है, क्या करना चाहता है, ये तय कीजिए और दिमाग में सोचिए यार प्रॉब्लम ये आएगी तो उसको मैं कैसे नए तरीके से ठीक करूंगा, क्या सॉल्यूशन होगा मेरा। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी उसको मैं कैसे नए तरीके से ठीक करूंगा। तीसरी प्रॉब्लम ये आएगी मैं उसको कैसे नए तरीके से ठीक करूंगा। जो ये करेगा ही विल बी सिलेक्टेड, नॉट ओनली सिलेक्टेड, नॉट ओनली स्क्रीन इन बट सिलेक्टेड, नॉट ओनली सिलेक्टेड बट वेरी हाई इन द मेरिट। व्हाई? बिकॉज ही इज अ इनोवेटिव माइंड टू फाइंड सॉल्यूशन। सो द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ इज that whatever you do, it is to achieve a goal, and to achieve the goal, there has to be there will be challenges. Identify those challenges, those problems in your mind. चार मिनट में लिख नहीं सकते आप problems, सोच सकते हैं और solution लिख डालिए, you will be screened. बड़ी बात बता रहा हूं, major issue बता रहा हूं, smaller issues will get taken care of. Always in life, look at the major issues. Smaller issues will get solved. हमारी प्रॉब्लम क्या है? Smaller smaller issues की तो हम बात करते हैं, major issues को भूल जाते हैं। This is the major issue. This is the main problem that you people have are dealing with. Okay. इसका कारण यह है कि आप अपने पर विश्वास नहीं करते। आप तो जो मैं कह रहा हूं वैसे ही जीते हैं, लेकिन आपको किसी ने बता दिया एसएसबी हुआ। एसएसबी में बड़े सिंपल लोग मेरे जैसे बैठे हुए, बड़े साधारण लोग, बैलेंस लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप ही उल्टा ड्रामा करते हैं, फिर कहते हैं यार छोड़ यार ये तो समझ नहीं आ रहा कौन है। बी सिंपल, बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल, यू आर गुड, बिलीव इन योर सेल्फ। सो व्हेन यू राइट अ स्टोरी, स्टोरी में आप लिखेंगे ये कैरेक्टर है, ये काम करना चाहता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो तो फिर आगे बढ़ेंगे, बट किसी का कोई सवाल हो तो पूछो, क्योंकि मैं इसके आगे बताने वाला हूं कि हम गलतियां कैरेक्टर में और गोल में और सॉल्यूशन में क्या करते हैं। उसमें भी गलतियां होती हैं, वो नीटी ग्रिटी का मामला है, वो डिटेल्स का मामला है, बट ये मेजर इश्यू अगर आपको समझ में आ गया तो ये स्क्रीनिंग बनी था। एनी क्वेश्चन? एनी सर, कहते हैं आप कह रहे हो कि ये कहना चाहते हो कि आपको वही बनाना चाहिए जो आपको पता है, आप वही बनाओगे जो आपको पता है, आप उसके अलावा कुछ बना ही नहीं सकते जीवन में। आपका जो भी एक्सपीरियंस है लाइफ के वही आएंगे सामने, उसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। बट यू हैव टू बी, इफ यू आर नेचुरल, इफ यू आर ट्रूथफुल, जो मैंने अभी बात करना ये करेंगे तो आप वही आएंगे, आप वही लिखते हैं। हमने तो आपको चॉइस दी हुई है, कभी इस पिक्चर में कुछ भी लिखे आप वही लिखेंगे जिसके बारे में आपको पता है। आप आर्टिफिशियली कुछ जबरदस्ती दिखाना चाहते हैं, कह रहे यार फौज में जा रहे हैं, फौज की स्टोरियां बनाओ, इफ इंप्रेस हो जाएंगे, तो आप चापलूस किस्म की आती है। आप इंप्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं, आपको फौजी सीन लग नहीं रहा तो फौज में क्यों डाल रहे हो उसको। एक आदमी जा रहा है उसको भी आप फौज में ज्वाइन करवा रहे, दूसरा बैठा हुआ उसको भी फौज में। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। तो अगर आप सचमुच जो सही तरीके से ईमानदारी और सच्चाई से जब आप इन बातों को ध्यान में रख के, जो कि आप पहले से जानते हैं, मैंने आपको सिर्फ याद दिलाई, करेंगे तो अपने आप ये सब दूर हो जाएगा। हैव आई आंसर योर क्वेश्चन? एनीबडी एल्स? ओके, अब एक और एक भ्रांति और मैं दूर कर देना चाहता हूं, है तो बहुत सारी समझने वाली बात है कि आप लिखते हो कि भाई ये इस गांव में एक लड़का था, उसका नाम था रामकुमार और वो ये काम करना चाहता, जो भी उसका गोल है आपने कुछ डिसाइड कर लिया। तो भैया रामकुमार खुद में कुछ नहीं है, उसका नाम है बस, आप ये तो बताते कि वो करता क्या, थोड़ा ये
बताते हैं कि पढ़ा कितना है, काम क्या करता है। सो बी स्पेसिफिक। एक कहावत है, मैंने नहीं बताई, कहावत है द क्लियर माइंड इज अ स्पेसिफिक माइंड। जो क्लियर होता है ना बड़ा स्पेसिफाई करता है बातों, स्पेसिफिक माइंड इज अ क्लियर माइंड। और जो डाउटफुल होता है, जिसको मालूम नहीं होता, जिसकी क्लैरिटी नहीं होती है, वो क्या करता है, ऊपर जनरिक बातें करता है। एंड दे विल गो टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, जनरिक बात कंसर्न्ड अथॉरिटी, क्योंकि पता नहीं होता। अगर पता होता तो कहता ही विल गो टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर। सी द डिफरेंस। इसको अगर आप क्लियर है माइंड में तो आप बोलेंगे रामू है, 10 क्लास पढ़ा है, और ये फार्मर है, और छोटी होल्डिंग वाला फार्मर लगता है। अभी आपने कहीं एक्सपीरियंस किया तभी कह रहे ना उसको देख। आप क्या कहेंगे, ये रामू है, ये फार्मासिस्ट है, और ये फलाने हॉस्पिटल में काम करता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल, और शहर में काम करता है। आप वेरी क्लियर। जब तक आप क्लियर नहीं हो तब तक आपको अगला गोल समझ में नहीं आएगा। तो सिर्फ आप रामू बोल देंगे तो रामू से कुछ काम नहीं चलेगा। तो कैरेक्टर मस्ट बी क्लियर, स्पेसिफिक। वैसे ही गोल क्या करना चाहता है, दैट ऑल्सो मस्ट बी स्पेसिफिक। एंड देन यू सी द चैलेंजेस एंड फाइंड सॉल्यूशन। इसकी क्लास अलग से हम चलाएंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा। So, अभी तक जो बातें बताई उसमें कोई आपको डाउट है, प्लीज आस्क। कि आर्मी में होती है अपनी ज्यादा जिंदगी आर्मी एरिया में गुजारता है, तो उसके जो स्टोरीज बनती हैं वो मैक्सिमम उसकी खुद की लाइफ पर बने, तो वो जहां ज्यादा रहता है उधर से मतलब बनेंगे, तो आर्मी से रिलेटेड बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बननी भी चाहिए आपको। देखिए आप जबरदस्ती ना करें। एक आदमी है जो उसकी लाइफ में आर्मी का इंपैक्ट ज्यादा है, एक लड़का है जो अपने पिताजी के साथ ही रहा, आर्मी में रहा, उसके ऊपर भी इंपैक्ट है, उसकी भी कुछ वैसी बनेगी। आपके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट है आपकी, लेकिन आपकी के साथ एक और फौजी है जिसके पास इतना इंपैक्ट नहीं है, शायद उसकी सिविल की भी बनेगी। आप जबरदस्ती मत करिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक लड़का था, उसने 12 में से 10 स्टोरियां सेंट्रल कैरेक्टर हीरोइन जो थी औरत के ऊपर लिखी थी, औरत के ऊपर स्टोरी लिखी थी, तो गलत थोड़ी हो गया। इट वॉज जस्टिफाइड। वाई? बिकॉज जब वो पैदा हुआ था उसने पिताजी को नहीं देखा था, उसकी मां उसके लिए हीरोइन थी, पूरी जिंदगी जो है उसकी मां ने जद्दोजहद करी और उसको ऊपर उठाया और एक बहुत अच्छा इंसान बनाया। उसकी रिस्पेक्ट थी लोगों के लिए, मेल्स के लिए भी रिस्पेक्ट थी। उसकी स्टोरी ज्यादा जो थी वो इसी पर बन गई। तो जो आपकी लाइफ होती तो उसको सिलेक्ट किया हम लोगों ने, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, अच्छा मैं फौज में हूं तो फौज ही बनानी है। आपको उससे कुछ याद आता है वैसा तो आप लिखिए। आपकी लाइफ में सिर्फ 100% फौज नहीं है, कुछ एक ऐसे भी इश्यूज हैं जो आप सिविल की लाइफ भी जीते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती मत करिए वो दिखाने के लिए। दैट योर फ्रेम ऑफ माइंड दैट टाइम एंड द पिक्चर विल डिसाइड, डोंट वरी, ऑल विल बी फाइन। इफ योर थिंकिंग इज फाइन, इफ योर वे ऑफ थिंकिंग इज फाइन, यू विल राइट द राइट स्टोरी। इसको आप स्टोरी कहते हैं, स्टोरी नहीं होता, मैं पहले बता चुका। गुड क्वेश्चन, थैंक यू।